हाँ प्यारे बच्चों, आज हम एक नजम पढ़ेंगे, एक परिंदे की फरियाद। ये नजम अल्लामा इकबाल ने लिखी हुई है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारे उस सब का चहचहाना। आजादियां कहाँ वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों की का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मरी कफस में, होती मेरी रिहाई एक आस मेरे बस में। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। कुछ मुश्किल हो फेस में, सदाएं आवाजें, चमन बाग, चिकना दूर होना, आशियाने घोंसला, कफ्स पिंजरा, रिहाई आजादी, दुखड़ा सुनाना, गम का हाल सुनाना। कामनी सी सूरत, पिंजन प्यारी सी सूरत, किस्मत को रोना, बदकिस्मती पर रोना, जिस दम जिस वक्त। ये परिंदे की फरियाद है जो कि घोंसले में बंद है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारे वो सब का चहचहाना। परिंदा कहता है किसमें, पिंजरे में जो बंद परिंदा है, कहता है कि मुझे वो गुजरा हुआ जमाना याद आता है, जब मैं खुली फिजा में घूमता था और बागों में घूमता था, और बागी जो परिंदे थे उनका चहचहाना मुझे अभी भी याद है। आजादियां कहाँ है वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। जब मैं अपने घोंसले में अपने घर में रहता था, तो उस वक्त मुझे पूरी आजादी थी कि मैं जहां जाऊं जब चला जाऊं जब आऊं, कोई भी मुझे वहां कैद नहीं थी। मैं अपनी खुशी से मैं आता था और अपनी खुशी से चला जाता था। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, जब भी मुझे वो वक्त याद आता है, उस वक्त मेरे दिल पर एक चोट सी लगती है। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, ये सुबह जब शबनम के कतरे पड़ते हैं, जब उस पर परिंदे चलते हैं, तो उसके पांव के वो निशान लगते हैं। वो प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद इस दम से था मेरा आशियाना। ये वो कितनी खूबसूरत वो लम्हा था, कितना खूबसूरत वो घर था, जहां मेरा घोंसला था, जहां मैं मुकीम था। आती नहीं सताए उसकी मेरी कफस में, यानी वो आवाजें मेरे जहां मैं बंद हूं, कैद में जो मैं बंद हूं, वहां कुछ भी नहीं आता है। वो नवाजें आती हैं सिर्फ, वो सिर्फ याद ही मुझे तड़पाती है। होती मेरी रिहाई काश मेरे बस में, कि कहता है कि खुदा अगर मेरे बस में होता मेरी रिहाई का मसला, तो मैं चला जाता, लेकिन मैं किसी ने कैद करके मुझे रखा है। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। यानी कितना मैं बदनसीब हूं, यो परिंदा कहता है जो पिंजरे में बंद है, कि मैं घर के लिए तरस रहा हूं, अपने आशियाने के लिए, अपने घोंसले के लिए तरस रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथी हैं, जितने भी हैं, वो बड़े मजे से रह रहे हैं, मैं यहाँ कैद बंद में हूं। आई बहार कलियां फूलों को हंस रही हैं,